गुड मॉर्निंग। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। एग्स आर बॉट एट रुपीज 15 अ डजन। अ डजन, वन डजन। वन डजन का मतलब होगा कितने एग्स? 12 एग्स। वन डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो 12 एग्स जो है उसने परचेज किए हैं, कितने के अंदर बॉट किए हैं? रुपीज 15। तो ये क्या हो गई इसकी सीपी, यानी कॉस्ट प्राइस, जितने में खरीदा। अब है उसने सोल्ड किया, सोल्ड किया उसने 2.50 रुपीज पर एग, मतलब वन एग 2.50 का बेचा उसने। तो एसपी निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? वन डजन की। तो वन एग उसने इतने में किया है, तो वन डजन में, वन डजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2.50 × 12। 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 0, 12 × 5 = 60, कैरी 6, 12 × 2 = 24 और 6 = 30। टू डिजिट आगे पॉइंट लग गया। तो कितने रुपीस में हो गए इसकी? वन डजन जो है उसने सोल्ड किया, यानी इसके एक तरह से क्या हो गई है ये इसकी एसपी, यानी सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब है जिस प्राइस पे कोई चीज बेची जाती है, और सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जिस चीज पे कोई चीज खरीदी जाती है। तो उसने खरीदी है 15 रुपीज में और बेची है, सेलिंग प्राइस है 30 रुपीज। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है वॉट इज द लॉस और गेन। तो आपको दिख रहा है एसपी माइनस सीपी, एसपी ज्यादा है तो 30 माइनस सीपी कितनी है? 15। तो जब आपको एसपी ज्यादा होती है तो हमेशा होता है प्रॉफिट। तो ये हो गया 13 माइनस 15, तो 15 रुपीज का क्या हो गया इसको? प्रॉफिट हो गया, यानी गेन हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखिए। अ चेयर कॉस्ट रुपीज 650। चेयर जो है उसकी कॉस्ट है 650, यानी सीपी है उसकी 650। एंड एट अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 200, और प्रॉफिट बता रहा है 200 रुपीज। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस? तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी कितनी हो जाएगी? सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी में प्रॉफिट प्लस कर दो, यानी 650 प्लस 200। तो ये हो गया आपका 0, 5, 6, 2, 8, 850 रुपीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 1250, यानी इसकी किसी भी आर्टिकल की सेलिंग प्राइस एसपी जो है वो है 1250 रुपीज। नेक्स्ट बोल रहा है साथ में इनक्योरिंग ए लॉस ऑफ 250, और लॉस हुआ है 250 का। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ आर्टिकल? तो कॉस्ट का मतलब है उसकी सीपी कितनी है। तो जब लॉस हुआ है तो इस एसपी में आप इतना और क्या कर दो, अपने को सीपी निकालनी है, मतलब बेचा इतने में है, इस बेचने पर उसको इतने रुपए का लॉस हुआ है। तो सीपी निकालने के लिए निकालते हैं, अगर लॉस दिया है ना तो एसपी में लॉस प्लस कर दो। तो यानी 1250 प्लस 250 प्लस करो 5, 5 × 1 = 6 और 2 × 2 = 4 और 1, यानी 1465 रुपीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में आप देखिए शुगर कॉस्ट रुपीज 13.50 ए केजी, यानी 1 केजी की कॉस्ट प्राइस है सीपी 13.50। ईच 500 ग्राम्स कॉस्ट 25 पैसा टू पैक। इसके साथ में 500 ग्राम का जो पैकेट है उसको पैकिंग करने पर लग रहे हैं 25 पैसे। इफ 10 केजी ऑफ शुगर इज सोल्ड ऑफ रुपीज 155, 155 रुपए में बेचा जा रहा है, तो टोटल प्रॉफिट जो है ऑप्टेन कितने का हुआ? सबसे पहले तो आप देखो कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर
सीपी ऑफ 1 kg शुगर कितनी है? 13.50 रुपीज। साथ में बोल रहा है पैकिंग 25%, पैकिंग पर 500 ग्राम, हर 500 ग्राम के पैकेट पे पैकिंग का पैसा लग रहा है 25 पैसे। तो टोटल सीपी हो जाएगी, क्योंकि जो भी खर्चा होता है ना खरीदने के बाद में, वो सारा खर्चा भी सीपी में जुड़ता है, सीपी में ऐड होता है। तो टोटल सीपी हो गई अब 13.50। पैसे को आप यू लिख सकते हो 0.25, तो प्लस 0.25 प्लस कर दे 5, 5 और 2, 7.13, यानी 13.75 रुपीज होगी इसकी टोटल सीपी, यानी खरीद पड़ गई इतने की। अब अगला बोल रहा है कि इफ 10 kg ऑफ शुगर, 10 kg शुगर 155 रुपीज में बेची है, तो अब इसका भी, ये तो 1 kg का सॉरी इसमें प्लस ये हटा के आप इसमें प्लस और कर दो, क्योंकि इसने बोला है 500 ग्राम, तो 1 kg में कितने होते हैं? 2 500 ग्राम होते हैं, तो 2 बार जोड़ दो इसको, तो अब ये कितना हो जाएगा? 5 और 5 10 0 carry 1 2 और 2 4 और 1 5 5 और 5 10 carry 1 1 3 और 1 4 and 1, यानी कितना हो जाएगा? 14 रुपीज हो जाएगा इसका पैकिंग सहित 1 kg का, क्या हो जाएगा? पर केजी। लेकिन इसने बोला है कि 10 केजी शुगर बेची जाती है 155 में, 10 केजी शुगर अगर आप सोल्ड कर रहे हो 155 में, तो इसका मतलब सीपी भी अपने को 10 केजी की निकालनी पड़ेगी। तो सीपी ऑफ 10 केजी जो बेची उसकी सीपी कितनी हो जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दो 14 के बाद पॉइंट में 0 0 इसका इंपॉर्टेंस की जगह ओनली 14 रुपीज रह गया इनटू 10 केजी, तो ये हो गया 140 रुपीज की पड़ी 10 केजी शुगर खरीदी उसने। अब एसपी बोल रहा है इसने बेची है शुगर 4 रुपीज 155, यानी एसपी है इसकी 155 रुपीज, यानी 140 में खरीदी और 155 में उसने बेची, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट देखिए एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट, एसपी कितना है 155, सीपी है 140, तो कितने का प्रॉफिट हो गया? 15 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट